The original tribal chief is back. Hello guys, my name is Udesh. स्वागत है आपका बॉक्सर रेसलिंग है। तो रोमन रेंस का रिटर्न हो गया और उन्होंने अटैक नहीं डिस्ट्रॉय कर दिया सोलो सिकॉर्ड न्यू ब्लड लाइन को। तो क्या क्या वो शो में सब चीज के बारे में बात करेंगे, दिस इज स्मैकडाउन रिजल्ट। सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। बट मैं अब ये चीज बोलना चाहता हूँ भाई, काफी टाइम से वीडियोस नहीं आ रहा था, दो बार से वीडियो आई थिंक नहीं आ रहा था। समर स्लैम कभी नहीं है, स्मैकडाउन कब नहीं है, और ये बस ऐसे ही आ रहा था क्योंकि भाई बहुत ज्यादा मेरी तबीयत खराब थी। बट अब वापस से भाई बैक ऑन ट्रैक होने वाला है। शो के स्टार्टिंग अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन कॉडी रोड्स करते हैं। वो बोलते हैं व्हाट डू यू वांट टू टॉक अबाउट, फैंस भाई इसमें शेयर करते हैं। कॉडियर्स बोलते हैं पास के बारे में नहीं बल्कि फ्यूचर के बारे में बात करेंगे। सबका आइज है कि अब भाई नेक्स्ट क्या होने वाला है। मैं अब ये सोच रहा हूँ कि मैं किसके अगेंस्ट चैंपियनशिप डिफेंड करूंगा एट बैश एट बर्लिन। तभी यहाँ पर सोलो सिकॉर्ड का थीम सॉन्ग प्ले होता है, वो आते हैं। उनके साथ टामा टोंगा और लोआ भी थे बट जीका फाटू नहीं थे क्योंकि भाई वो इंजर्ड हो चुके हैं समर स्लैम में। सोलो सिकॉर्ड बोलते हैं मुझे भाई फर्क नहीं पड़ता तुम क्या बोलना चाहते हो और ये फैंस क्या सुनना चाहते हैं। मैं भाई यहाँ पर बात करना चाहता हूँ समर स्लैम के बारे में। अगर वहाँ रोमन रेंस नहीं होता तो कॉडियर्स तुम्हें भी ये चीज पता है कि मैं भाई अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन रहता। सो गिव मी माई री मैच फॉर द चैंपियनशिप। कॉडियर्स बोलते हैं तुम्हें अगर पास के बारे में बात करना है तो मैं बता दूं तुम्हारी वजह से भाई जेका फाटो इंजर्ड हो गया और भाई सोलो यू आर कॉस प्लेइंग एज द ट्राइबल चीफ। ये सुनकर सोल से को एकदम गुस्सा हो जाते हैं। द ब्लड लाइन के साथ रिंग एप्रेंट पे आते हैं कॉडियोर्स को मारने के लिए। बट तभी कैनन्स आते हैं पीछे से चेयर लेके, वो कॉडियोर्स को देते हैं, अपने भी चेयर लेते हैं और सोलो से को इस चीज को देख कर ही भाई पीछे हट जाते हैं। और भाई वो बोलते हैं मैं भाई तुम्हें बाद में देखूंगा जब मैं मिलूंगा रोमन रेन से। ये बोलकर द ब्लड लाइन यहाँ से चल जाते हैं। कैनन्स भी यहाँ से जाने लगते हैं तो कॉडियोर्स भाई उनको रोकते हैं और उनको रिंग में बुलाते हैं और बोलते हैं कैनस मैं भाई तुमको फेस करना चाहता हूँ चैंपियनशिप के लिए। कैनस बट भाई इस पे मना कर देते हैं। कैनस बोलते हैं मैं भाई अप्रिशिएट करता हूँ उसको बट भाई मैं डिजर्व नहीं करता, मैंने भाई अभी कुछ साल से ऐसे कुछ भी नहीं किया कि भाई मुझे चैंपियनशिप अपॉर्चुनिटी मिले। फैंस यहाँ पर तुरंत ही चीयर करने लगते हैं कैनस के लिए, यू डिजर्व इट्स के चांस करते हैं। कॉडी रोड्स बोलते हैं तुमने भाई जो भी किया तुम भाई डिजर्व करते हो चैंपियनशिप के लिए, मैं जा रहा हूँ नेक एल्डे से बात करने और आई नो वो भी भाई एग्री करेगा और फिर मैं तुमको ये चीज बोलूंगा सी यू एट बैश एट बर्लिन। ये बोलकर कॉडी रोड्स यहाँ से चल जाते हैं, पीछे पीछे कैनोइंस भी जाते हैं। फिर बैकस्टेज कॉडी रोड्स निक एल्डिस से मिलते हैं और भाई बात करते हैं चैंपियनशिप टाइटल अपॉर्चुनिटी के लिए बैश एट बर्लिन में। बट यहाँ पर निक एल्डिस भाई कुछ और ही बोलते हैं। वो बोलते हैं मैं भाई यहाँ पर तुम्हारा मैच कराना चाहता हूँ रोमन रेंस के अगेंस्ट। कॉडी रोड्स उसको सुनते हैं बट कैनोइंस भाई इस पे गुस्सा हो जाते हैं। वो बोलते हैं भाई लॉकर रूम में और भी गाइज है रोमन रेंस के अलावा। तो निक एल्डिस फिर फाइनली ये चीज सोचते हैं और फिर एग्री कर देते हैं और ऑफिशियल कर देते हैं कैनोइंस वर्सेस कॉडी रोड्स का मैच बैश एट बर्लिन में फॉर द अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। तो ये मैच भी भाई काफी ज्यादा क्रेजी होने वाला है। बट रोमन रेंस का क्या, ये चीज पता चलेगा मैं मेन इवेंट में। नेक्स्ट ए डाउन डाउन वर्सेस स्ट्रीट प्रॉफिट्स का मैच होता है, नंबर वन कंटेंडरशिप मैच। मैच जैसे स्टार्ट हुआ डॉकिंग्स और थ्योरी और वॉलर पर डबल टीम मूव लगाते हैं, रिंग साइड पर भाई क्लोज लाइन लगा देते हैं। तभी भाई फोर्ट सबके ऊपर आज जंप लगा देते हैं इन सबके ऊपर, काफी सारे मस्त स्पॉट इस मैच में देखने को मिलता है, फ्लाइंग मूव भी भाई एक दो में देखने को मिलता है। बट एंडिंग में अपना फिनिशर लगा के स्ट्रीट प्रॉफिट इस मैच को जीत जाते हैं। नेक्स्ट फायर वर्सेस जेड कारगिल का मैच होता है जिसमें जेड कारगिल भाई तुरंत ही जीत जाती है, भाई बहुत जल्दी ये मैच फिनिश हो गया। बट फिर ब्लेयर और एल्बा यहाँ पर अटैक कर देती है बियंका बेलर और जेड कारगिल के ऊपर, बट नियोमी यहाँ पर सेव करने आती है इन दोनों को और फिर जेड कारगिल भाई मिलके सब तीनों यहाँ पर मिलके मारती है एल्बा और एस्ला और भाई ब्लेयर को। नेक्स्ट द न्यू यूनाइटेड स्टेट चैंपियन एली नाइट आते हैं, फैंस इस पे भाई चीयर करते हैं। वो बोलते हैं लेट्स मी चॉक टू यू। वो बोलते हैं समर स्लैम कंसर्न गोज, बहुत ज्यादा मुझसे क्वेश्चन पूछा गया कि क्या इट वाज एक्स्ट्रा स्वीट टू बीट लोगन पॉल इन हिज होम टाउन, फैंस भाई यू डिजर्व इट्स क्या चांस करते हैं। लोगन पॉल बोलते हैं आई डोंट गिव अ डैम अबाउट बीटिंग हिम इन हिज होम टाउन, आई ओनली केयर्स अबाउट माई प्रोमिस जो मैंने किया था फैंस से कि भाई मैं चैंपियन बनूंगा। तभी यहाँ पर सेंटोस को बाहर आते हैं, वो कॉन्ग्रेट्स करते हैं एली नाइट को। वो बोलते हैं तुम्हें डेली नहीं देखने के लिए मिलता है ऐसा कि भाई तुम्हारे जैसे गाइस को भाई टेस्ट मिल जाए गोल्ड का, तुम यहाँ पर स्पॉट में आए क्योंकि अब भाई मेरा टाइटल रेन स्टार्ट होने वाला है, मैं डिजर्व करता हूँ यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप को। सेंटोस को बार फिर अपने आप को एस को बार करके ऐसे भाई प्रोनाउंस करते हैं ऐसे भाई एली नाइट करते हैं, तो वो बहुत ज्यादा फनी लगा मुझे। एली नाइट बोलते हैं मैं भाई तुम्हारी बात सुन में नहीं रहा हूँ क्योंकि फैंस तुम्हें सक्स कर रहे थे और तुम्हें अगर ये टाइटल शॉट चाहिए तो भाई तुम्हें इसके लिए क्वालिफाई मैच जीतना होगा। डाउन द लाइन नेक्स्ट अंदाजे से सेंटोस का बार का मैच होता है, मैच जैसे स्टार्ट हुआ सेंटोस को बार अटैक करते हैं रिंग साइड पर, अपोलो क्रूज और बैरकोर में अटैक कर देते हैं हम्बर्टो और एंजल गार्सा के ऊपर। एक स्पॉट पर अंदाजे टॉप रोप से मूनसॉल्ट लगा देते हैं रिंग साइड पर और फिर क्रॉस बॉडी लगाते हैं पिन करते हैं बट यहाँ किक आउट हो जाता है। फिर वो सुप्लेक्स पे सुप्लेक्स लगाते हैं सेंटोस को बार के ऊपर, इसके बाद भाई सेंटोस को बार टॉप रोप से जाते हैं और हुरिकाना लगा देते हैं पिन बट यहाँ पर नहीं हो पाता है।
एंडिंग में अनुराधे अपना फिनिशर लगाने जाते हैं, बट तभी इलेक्ट्रा भाई डिस्ट्रैक्ट करती है रेफरी को, कार्मेलो हेज आते हैं, इतने में सैंटोस कोबार को हटा देते हैं, जिससे अनुराधे रोप्स में लड़ जाते हैं और सैंटोस कोबार उनको रोल अप करते हैं, पिन करते हैं और इस मैच को जीत जाते हैं। इट मींस भाई वो फेस करेंगे एलए नाइट को यूएस चैंपियनशिप के लिए। नेक्स्ट नंबर वन कंटेंडर मैच होता है डीआईवाई वर्सेस द प्रीटी डेडली। मैच स्टार्ट हुआ बिना अटैक के, ये दोनों भाई एक दूसरे के ऊपर अटैक कर देते हैं। डीआईवाई यहां ये दोनों को भाई रिंग साइड पे फेंक देते हैं, फिर एक स्पॉट पर बैक टू बैक टोमास चैंपा क्लोज रन लगाते हैं इन दोनों के ऊपर। द प्रीटी डेडली बुलडॉग लगाते हैं, पिन करते हैं, बट जॉनी गैंगो यहां पर ब्रेक कर देते हैं। ये दोनों भाई फिर डबल मूव लगाने जाते हैं, बट फिर तब यहां पर ये दोनों भाई प्रिंस पर शैटर मशीन लगाते हैं, डबल किक वाला मूव लगाते हैं, पिन करते हैं और इस मैच को जीत जाते हैं। नेक्स्ट मेन इवेंट इज टाइम फॉर द रोमन रेंस रिटर्न, जिसके लिए भाई हम वेट कर रहे थे, सब फैंस वेट कर रहे थे। सोलो सिकोवा का थीम सॉन्ग प्ले होता है, वो आते हैं द ब्लड लाइन के साथ, टामा टोंगा और लोवा के साथ। सोलो सिकोवा आज भाई कुछ चेंज लग रहे थे, वो थोड़ा सा भाई डरे हुए लग रहे थे। सोलो सिकोवा माइक लेते और बोलते हैं एक्नॉलेज मी, बट उसमें ही भाई आज दम नहीं लग रहा था, वो थोड़ा सा इस चीज पे डर रहे थे। फैंस भाई तुरंत ही वी वांट रोमन रेंस के चांस करते हैं। सोलो सिकोवा बोलते हैं रोमन रेंस मुझे पता है तुम्हें क्या चाहिए, अगर भाई तुम्हें ये चीज चाहिए मतलब उला फाला चाहिए तो भाई तुम्हें यहाँ पर आना होगा। तब यहाँ पर थीम सॉन्ग प्ले होता है द ओरिजिनल ट्राइबल चीफ रोमन रेंस का। फैंस भाई इस पे एकदम लाउड चीयर करते हैं, रोमन रेंस यहाँ पर आते हैं, वो भाई एंट्रेंस से भाई धीरे धीरे आते हैं, फैंस भाई बहुत ज्यादा इस पे चीयर कर रहे थे। सोलो सिकोवा भाई रिंग से उनको देख रहे थे, तो यहाँ पर रैंप पे टामा टोंगा और लोआ अटैक करने आते हैं रोमन रेंस के ऊपर, तो रोमन रेंस भाई इन दोनों को रिंग साइड पे मार देते हैं। वो स्टील स्टेप लेते हैं, उससे मारते हैं ये दोनों को, और सोलो सिकोवा भाई रिंग में एकदम अलोंग रहते हैं। रोमन रेंस जाते हैं उनके सामने और तुरंत ही भाई इनको सुपर हैंड पंच लगा देते हैं, स्पीयर लगाने जाते हैं, बट तभी टामा टोंगा और लोआ उनको रिंग साइड पे खींच लेते हैं। सोलो सिकोवा भाई रिंग साइड पे थे और वो उला फाला भाई उनके रिंग में ही छूट जाता है। रोमन रेंस भाई उसको उठाते हैं, फैंस भाई इस पे होली शिट के चांस कर रहे थे, बट तभी टोंगा लोआ टामा टोंगा भाई पीछे से अटैक कर देते हैं रोमन रेंस के ऊपर। ये दोनों भाई उनको पंचेस मारते हैं, बट रोमन रेंस सडन सुपर पंच लगा देते हैं ये दोनों को। टोंगा लोवा को स्पीयर लगाते हैं, टामा टोंगा फिर भाई रिंग साइड पे थे तो भाई उनको जाते हैं और बैरिकेड पे मास्क वाले एकदम स्पीयर लगा देते हैं। रोमन रेंस भाई एकदम यहाँ पर डिस्ट्रॉय के मोड में आ गए थे, फैंस भाई इस पे काफी ज्यादा चीयर करते हैं। सोलो सिकोवा भाई रैंप से ही देख रहे थे रोमन रेंस को, बट वो कुछ कर नहीं पा रहे थे। रोमन रेंस फिर चीयर लेते हैं, उससे मारते हैं टामा टोंगा को, रिंग में आते हैं। टोंगा लोवा पर भाई मल्टीपल चीयर से अटैक करते हैं। सोलो सिकोवा रैंप से बोलते हैं कि मैं अब ट्राइबल चीफ हूँ। रोमन रेंस भाई इस पे एक स्टेयर डाउन देते हैं और शो यहाँ खत्म हो जाता है। तो फाइनली रोमन रेंस ने भाई डिस्ट्रॉय कर दिया उस ब्लड लाइन को जिसको भाई सोलो सिकोवा ने बनाया है। तो अब भाई नेक्स्ट देखने में मजा आएगा कि नेक्स्ट क्या होता है, क्या सच में भाई सोलो सिकोवा ही है ट्राइबल चीफ? नहीं यार, रोमन रेंस अब आ चुके हैं तो वो कहां से ट्राइबल चीफ है? रोमन रेंस अब तो नहीं छोड़ने वाले सोलो सिकोवा को। सो आज का वीडियो तक था, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, WWE वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर दो, कमेंट्स बताओ आपको ये पूरा शो कैसा लगा, और आपको क्या लगता है क्या भाई रोमन रेंस के साथ साथ पॉल हेमन, जिमी उसो, जे उसो कब तक आने वाले हैं, ये भी बताओ यार कमेंट सेक्शन में। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी। गुड बाय।